ताला हुआ था, अधिकारियों पर जांच नहीं की, क्योंकि खुद खाद्य आपूर्ति विभाग को ही उसकी जांच दी गई। अगर विजिलेंस को जांच दीजिए, क्योंकि करोड़ों रुपए का आटा बगैर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के नोटिस में नहीं जा सकता। प्रारंभिक जांच आने के बाद जरूर उसका संज्ञान लिया जाएगा। भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, अभी हाल ही में ना 3 को सस्पेंशन के ऑर्डर भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ के DETC मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं जी। पिछले 2 साल से पहले से भी चार्जशीट है सर, किसी भी दोष में इंक्वायरी के बाद अगर थोड़ा भी उसका संलिप्तता पाई जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब हमारे पास कम से कम जो शिकायत आई है जी, उसके आधार पर प्रारंभिक हमने जो एक्शन लेना कर लिया है, अब उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसका जो सामने आएगा जिसकी भूमिका में।